झांसी में हिंदू संगठन के एक नेता के दो नन को दो छात्राओं का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए ट्रेन से उतरवाने के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदू संगठन के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि झांसी में हिंदू संगठन के एक नेता ने चलती ट्रेन में पुलिस को सूचना दी थी कि दो नन और दो छात्राओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेकर जा रही है। इसके बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने दोनों नन और छात्राओं को ट्रेन से उतार कर पूछताछ की थी। कोई संदिग्ध बात न मिलने पर उन्हें उसी ट्रेन से रवाना कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम साहब ने एक निर्देश भेजा है पूरे उत्तर प्रदेश को कि जिला और शहर माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी ये धरने और प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दे, और जो गुंडागर्दी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने झांसी से और जाते हुए महिलाओं के साथ जो ईसाई समुदाय की थी उनको झूठा आरोप लगा के धर्म परिवर्तन का नीचे उतार लिया और पुलिस ने उनको सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस सहयोग मूक दर्शक बनी रही, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही वहाँ। आप कहाँ आए और क्या चाहते हैं? हम जिलाधिकारी को राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसके पे तत्काल गिरफ्तारी की और जो महिलाओं के साथ गुंडागर्दी की है जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए।